बनाना का पेड़, बनाना का पेड़ नहीं कहेंगे हम इनको, बनाना क्लम्स कहते हैं, क्योंकि ये क्लम्स में उगते हैं, और असल में जो है ये वास्तव में बनाना का पेड़ नहीं होता, बल्कि एक बहुत लार्ज हर्ब है, एक हर्बेशियस प्लांट है, और इसमें कोई वुडी स्ट्रक्चर नहीं होता। बनानास जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और फेवरेट है सभी वर्ग के लोगों के लिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। इसके कई कारण हैं, जैसे कि पूरे साल मिलना, भाव यानी कि अफोर्डेबिलिटी, बहुत सारी वैरायटीज आती है, टेस्ट अच्छा होता है, बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है, औषधीय गुण होते हैं। इन्हीं कारणों से ये पॉपुलर है और इनका पोटेंशियल भी बहुत हाई है कि भारत से हम इनको दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर सकें। आज की तारीख में भारत नंबर वन प्रोड्यूसर है बनाना का, लेकिन पोटेंशियल और भी अधिक है। बनाना जो है एक लार्ज पेरिनियल हर्ब है, और इसका जो राइजोम होता है वो ज़मीन के नीचे होता है, अंडरग्राउंड होता है, जो कि सकर्स प्रोड्यूस करता है, जिससे हम इनका प्रोपोगेशन कर सकते हैं, नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। इनका प्रोपोगेशन सीड से नहीं होता, क्योंकि सीड्स मिसिंग होती है, इसलिए इनका प्रोपोगेशन सकर्स के द्वारा किया जाता है, या फिर टिश्यू कल्चर से भी किया जा सकता है। स्टेम जो है इसके, वो ऐसा स्ट्रक्चर आपको जो ग्राउंड के ऊपर दिखाई देता है, वो असल में हम इनको सूडो स्टेम्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक ट्रू स्टेम नहीं है, बल्कि ओवरलैपिंग लीफ बेसिस है। लीफ के शीट्स टाइटली ओवरलैपिंग होते हैं इसके ऊपर, जिस जो इसको एक स्टेम जैसा शेप और आकार देते हैं, और बहुत सारे फाइबर्स से भरा होता है ये। इसीलिए आप देखोगे कि इसके फाइबर्स का इस्तेमाल करके बनाना के बहुत सारी तरह तरह की हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें बनाई जाती है, रोज़मर्रा के यूज़ में आ सके, जैसे बास्केट हो गया, तरह तरह की चीज़ें जो विलेजेस में, रूरल एरियाज़ में आज भी बनाई जाती है। आप देखोगे कि सारे ही मॉडर्न एडिबल पार्थेनोकार्पिक बनानास जो है, जी पार्थेनोकार्पिक का अर्थ होता है ऐसे फ्रूट्स जिनमें सीड्स नहीं होते। अब आप देखोगे बनाना और फिग्स ऐसे ऐसे फ्रूट्स हैं जहाँ पर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स का नहीं होता, उसके बिना ही फ्रूट डेवलप होता है और कोई वायबल सीड्स प्रोड्यूस उसमें नहीं होते हैं। तो बनाना, फिग्स ऐसे ही फ्रूट्स हैं जिनको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहा जाता है। अब सारे ही एडिबल पार्थेनोकार्पिक बनानास जो हम देखते हैं आज, वो लिए गए हैं दो वाइल्ड स्पीसीज से, जिनको मूसा अक्यूमिनाटा और मूसा बाल्बिसियाना कहते हैं। मूसा पारादीसिया का जो है वो इन दोनों का हाइब्रिड है। बनाना एक सक्यूलेंट एवरग्रीन और शैलो रूटेड क्रॉप होने के कारण इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है, ताकि इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो हम इंक्रीज कर सके। दुनिया भर में बनाना की बहुत सारी वैरायटीज पाई जाती है, तरह तरह की स्पीसीज है, तरह तरह के रंग के, लाल रंग के, ब्लू रंग के बनानास भी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये नेटिव है टू भारत के, नेटिव है और यहाँ पर ही ओरिजिन और इनका एवोल्यूशन हुआ, इंडिया, साउथ ईस्ट एशियन के दूसरे कंट्रीज़ में। कॉमन वैरायटीज जो हम जानते हैं, जैसे पथाथी, लाल कढ़ाली, कैवेंडिश, रोबुस्टा, रस्थाली, पोवन, नेंद्रन, ये सारे ही दर्शाते हैं कि कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है बनाना वैरायटीज़ की भारत में। बनाना बिलोंग करते हैं टू ये जो मूसा स्पीसीज है, जिसमें सारे बनानास आ जाते हैं, वो बिलोंग करते हैं मूसेशी फैमिली को और जिंजीबरेल्स ऑर्डर को। इसमें 40 से ज़्यादा नॉन स्पीसीज ऑफ बनानास आ जाते हैं। ये जाने जाते हैं मूसेशी फैमिली के मेंबर्स, लंबे लंबे पत्ते, स्पाइरली स्टेम, लार्ज फ्लैशी फ्रूट्स, यूनिक इन्फ्लोरेसेंस जिनको कंपाउंड काइम कहा जाता है, वो सीडलेस होते हैं, यानी कि आज जो हम केले खाते हैं उसमें बीज नहीं होते। उसका कारण है कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग के कारण डिजायरेबल ट्रेड्स तैयार किए जाते हैं,
जैसे कि सीडलेसनेस। इससे क्या होता है, वायबल सीड्स इसमें मिसिंग होते हैं और हम आसानी से केले खा सकते हैं, क्योंकि केले में अगर बीज हो गए तो हमको खाने में थोड़ा वियर्ड होगा या फिर चबाना पड़ेगा। बनाना का जो विजिबल स्टेम है, जैसे कि मैंने कहा जिसको सूडो स्टेम हम कह सकते हैं, वो टाइटली ओवरलैपिंग लीफ शीट से बना है, एक ट्रंक लाइक स्ट्रक्चर इसको देता है। जो असली में ट्रू स्टेम है इसका, वो अंडरग्राउंड होता है एक राइजोम के रूप में। इसके लंबे लंबे पत्ते होते हैं, बड़े बड़े ब्रॉड लीव्स, जो कि इसको फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, जो कि क्लोरोफिल से भरे होते हैं और फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। एक लार्ज सरफेस और एरिया होने के कारण मैक्सिमम सनलाइट अब्जॉर्प्शन ये कर पाते हैं। एनसेते अभी एक रिलेटेड जीनस है बनाना का, जिसको एनसेते कहा जाता है, क्लोजली रिलेटेड जीनस है मूसा का। इसमें भी स्पीसीज आते हैं जिनको फॉल्स बनानास कहा जाता है, ये बनानास को रिजेंबल करते हैं, लेकिन एनसेते प्लांट्स में कुछ डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो जैसे कि नॉन एडिबल फ्रूट्स या फिर लार्जर सूडो स्टेम्स। प्लांटेन्स और बनाना, इन दोनों के बीच में लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो प्लांटेन्स और बनाना के बीच में एक ही चीज़ का फ़र्क है, वो है स्टार्च की मात्रा का। जो प्लांटेन्स है वो बनाना का ही एक सब ग्रुप है और वो जाने जाते हैं स्टार्ची फ्रूट्स के लिए, और उनको पकाकर खाया जाता है। जो हम केले खाते हैं वो रॉ हम कच्चे ही खा लेते हैं, मतलब कच्चे यानी कि पकने के बाद सीधा खा लेते हैं, लेकिन प्लांटेन्स को पकाकर खाना पड़ता है, बॉयल करके, ग्रिल करके। और टेक्सचर और फ्लेवर में फ़र्क होता है। जो हम बनाना स्वीट जो खाते हैं रोज़ आमतौर पर, वो स्वीट डेजर्ट बनानास के नाम से जाने जाते हैं। ये जो प्लांटेन्स होते हैं वो रिच इन स्टार्च होते हैं, इसलिए आप देखोगे कि उनका केमिकल कंपोजिशन जो है वो सिमिलर टू पोटैटो होता है। कि जो बनाना के प्लांट को प्रोपोगेशन में मदद करते हैं, ऐसे सकर्स के बारे में भी हम जान लेते हैं। दो तरह के होते हैं, आप देख रहे हो अभी, स्वॉर्ड सकर्स आइडियल होते हैं प्लांटिंग करने के लिए, और वॉटर सकर्स को निकाल दिया जाता है, डिस्कार्ड करते हैं जब हम उगाते हैं इनको। ये देखिए कितने सारे केले लगे हुए हैं, और इतनी ज़्यादा मात्रा में जब प्रोडक्शन होता है, इसलिए जो है इजीली अवेलेबल है, और सारे ही क्वालिटीज़ जो मैंने बनाना की स्टार्टिंग में बताई थी वो सच होती है, क्योंकि मास प्रोडक्शन इनका हो सकता है। बनाना के जो प्लांट होते हैं उनमें एक बहुत बड़ा इनफ्लोरेसेंस देखा जाता है, जिसको हम कंपाउंड साइम कहते हैं। इसमें मल्टीपल ब्रैक्ट्स होते हैं, जो कि मॉडिफाइड लीव्स होते हैं, अरेंज होते हैं एक लेयर्स में। इसी विद इन दिस ब्रैक्ट्स, इसी ब्रैक्ट्स के अंदर आप देखोगे कि इंडिविजुअल फ्लावर जो है वो डेवलप होता है। बनाना के फूल जो है वो अनयूजुअल होते हैं कंपेयर टू टिपिकल फ्लावर्स। टिपिकली हम देखते हैं बनाना में छोटे और इनकॉन्स्पिक्यूस फ्लावर्स होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं वो बेस ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस, और मेल फ्लावर्स टॉप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस में देखे जाते हैं। फीमेल फ्लावर्स, जिनको हम ओवरीज के नाम से भी जानते हैं, ओवरीज भी कह सकते हैं, वो फ्रूट के रूप में तैयार होते हैं।